इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपल्यती इंदौर। हर आदमी के पास दुख और सुख दो चीजें होती हैं। व्यक्ति दुख से डरता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सुख की प्राप्ति कब होती है इस पर विचार करें। आचार्य समंतभद्र देव ने अर्थ चिंतन के लिए यह एक सूत्र छोड़ा है, यदि पाप निरोधन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पाप अश्रोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। पाप का अर्थ दुख होता है, व्यसन होता है, कष्ट होता है, और यदि पापों का निरोध आपके नहीं होता है, दुखों का निरोध नहीं होता है, दुख आपसे नहीं रुकते हैं, तो संपत्ति किस काम की। और यदि पाप रुक जाते हैं, दुख रुक जाते हैं, कष्ट रुक जाते हैं, तो संपत्ति किस काम की। इस संपत्ति पर जो चिंतन दिया गया है कि संपत्ति किस काम की होती है, इस पर हमें विचार करना पड़ता है। हर व्यक्ति धन और संपत्ति के लिए सब कुछ करना चाहता है, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देता है, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति बेईमानी करना चाहता है, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए मेरी समाज की धन संपत्ति अधिक हो, मेरे परिवार की धन संपत्ति अगर, मेरे पंथ की धन संपत्ति अलग हो, लेकिन धन को प्राप्त करना चाहते हैं जो कि अचेतन है। अचेतन धन को प्राप्त करके व्यक्ति क्या प्राप्त कर लेगा, इस पर सोचने की आवश्यकता है। परम पूज्य आचार्य संबंतभद्र देव की इन बातों के लिए हमें विचार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। आज हम जितने भी समाज में विवाद खड़े होते हैं, सारे के सारे विवाद धन के लिए होते हैं। मंदिरों में संपत्ति अधिक प्राप्त करने के लिए मंदिर के ट्रस्टीगण अनेक प्रकार के नैतिक अनैतिक कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार क्यों ये अन्याय क्यों? हर जगह जो सामाजिक झगड़े होते हैं, उस सामाजिक झगड़े होने का कारण क्या है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, इसमें हमें चिंतन करना पड़ेगा। सारे के सारे कारण झगड़ों का कारण तीन होते हैं, जल, जुरू और जमीन। लेकिन चौथा एक कारण और आ गया है झगड़े का कारण, वह पंथवाद है। संप्रदायवाद और पंथवाद भी झगड़े का कारण सबसे बड़ा होता है। धर्म के नाम पर लोग झगड़ा किया करते हैं, वे इस बात के लिए भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लोग कई लोग कहा करते हैं कि समाज में एकता होना चाहिए, मैं भी ये बात के इसके बात के लिए सहमत हो जाता हूँ कि समाज में एकता होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना जब तक अधिकारों की छीना झपटी होती रहेगी, एक दूसरे के अधिकार को छीनने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, तब तक याद रखना किसी प्रकार से भी एकता होना संभव नहीं है। हम एक दूसरे के अधिकारों की छीना झपटी कर क्यों रहे हैं? विस्तारवादी जैसे चीन की नीति है, इसी तरीके से हम नीति क्यों अपना रहे हैं? हम अधिक से अधिक अपने तीर्थ क्यों करना चाह रहे हैं? हम अधिक से अधिक मूर्तियां अपने पंथ की क्यों करना चाह रहे हैं? हमारे जिस पंथ की जिस की पूजन होती है, हम उसमें संतोष क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका कारण है कि हमारा झूठा अहंकार है, हम अहंकार में डूबे हुए हैं। हम ये बात भूल चुके हैं कि परिग्रह दुख का कारण है, पाप दुख का कारण है, हम इस बात के लिए भूल चुके हैं। यदि हम इस बात के लिए याद कर लें कि पाप दुख का कारण है, और सबसे बड़ा पाप यह होता है, परिग्रह होता है, और जितने अधिक से अधिक हम विस्तार करना चाहेंगे, जितने हम विस्तारवादी बनेंगे, उतने हम परिग्रहवादी बनेंगे, और जितना हम अपने आप में संतोष धारण करेंगे, उतने हम सुखी होंगे। तो इसलिए सुख प्राप्त करने की अगर आपके अंदर चाहत है और अगर आपके पास धर्म है, तो धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। संतोष धन हमारे जिन बिंब और तीर्थों की शरण में जाने से आता है, लेकिन जिन बिंब बढ़ाने की कोशिश में लगे रहना संतोष का अभाव ही के प्रतीक हमें प्रकट करता है। इसलिए धर्म संतोष का प्रथम संतोष ही धर्म का प्रथम आधार माना जाए, तभी हम सच्चे धर्मात्मा बन पाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।